सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। जो पेड वाले बच्चे नहीं हो उन लोगों के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये रहा कि आपको अब 99 रुपीज में आपको क्रैश कोर्स मिलने वाले हैं। सो आप जाके बाय कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है क्लासेस को, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर सकते हो इस वाले सेक्शन पे जाके। अब इस वाले सेक्शन पे कैसे पहुंचना है, तो कोर्सेज पे क्लिक करके क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स के बाद आपको लाइव का दिख जाएगा, रिकॉर्डेड का दिखेगा, टेस्ट का दिखेगा। तो सॉरी, लाइव वाले सेक्शन में यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर सकोगे। ठीक है, समझ में आ गया? कितने बजे? 8:30 में। ठीक, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 99 रुपीज पेड करना होगा। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके। अब इस यहाँ पे कैसे आओगे, तो व्यू डेमो पे क्लिक करके आ सकते हो। देन उसके बाद टेस्ट के सेक्शन में आपको टेस्ट कार्ड दिख जाएगा, और इसके पास में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको अभी तक खुला हुआ था टेस्ट नंबर 4 और 2018 का PYQ खुला हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो आप लोग के लिए कल फिर से खोल दिया जाएगा, सो आप वहां जाके देख सकते हो इसको। ठीक है, वहां जाके देख सकते हो। क्लियर, ये सारी बातें हो गई। और यहाँ पे आपको 6 ईयर का PYQ भी दिख जाएगा, 6 ईयर का PYQ भी दिख जाएगा, सो आप वहां जाके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, हम लोग आज बात करने वाले हैं वीड मैनेजमेंट की। ठीक है, वीड मैनेजमेंट, सब लोग एक्साइटेड हो? गुड इवनिंग, सब लोग एकदम तैयार हो? टर्म वीड, कल जो हम लोग क्वेश्चन दिए आज थे के बनाने के लिए। स्पेन नहीं आ रहे क्वेश्चन। हाँ, पहले क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैंने दो क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा अच्छा कि आपने याद दिला दिया, मैंने आपको दो सर क्वेश्चन दिया हुआ था। भेज क्या सब भेज दिए, देखिएगा सही गलत। हाँ, मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है, उसमें कुछ गलतियां थी इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं कुछ बोला। ठीक है, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। अब इसमें कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन था, उससे पहले एक और क्वेश्चन था, उससे पहले आपको एक और क्वेश्चन था। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन था जो बिहार के जल कुछ था ना ऐसा करके। सो आप वो वाला देख लोगे, वो लोग कुछ नहीं था, जो जो बच्चे बनाए हैं वो सब सही बनाए हैं जो मुझे भेजा गया है। ठीक है, मैं ग्रुप में कोई सा एक भेज दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत है, जिन्होंने जिन्होंने मुझे भेजा है, कुछ कुछ रॉन्ग है। ठीक है, और एक चीज रॉन्ग हो गया उसके कारण से आप क्या। क्वेश्चन में रामा हैज 2 हेक्टर फील्ड इन विच इज कल्टीवेटेड। अच्छा, वो देख लोगे, क्वेश्चन शायद गलती है, विच ही कल्टीवेटेड होगा, है ना, कुछ क्वेश्चन अभी टाइपिंग किए ना इसलिए गलती हो सकता है। ठीक है, सो ना आपको स्वतंत्रता दी गई है कि कभी भी आप बोल सकते हो, तो बट क्वेश्चन पूरा देख लो, पूरा सुन लो, फिर आप बोलोगे। ठीक है, बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक ना। सो अगर आपको समझ में ना आए फिर आप बताना। ठीक है, चलो यहाँ पे आप थोड़ा क्वेश्चन देख लेना, जैसे बच्चे ने बोला कि गलत लिखा हुआ है, सो टाइपिंग में गलती हुआ है, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में है राम हैज अ फार्म। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, मैं आपको समझा के देता हूँ। ठीक है, हिंदी वाले से देख सकते हो, हिंदी वाले में दिया गया राम के पास 2 हेक्टेयर का खेत है, जिसमें उन्होंने 1.5 हेक्टेयर चावल की खेती की है और 1 हेक्टेयर में आलू और मक्का के साथ अंतर्वर्ती करके अंतर फसल की है। ठीक है, सो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, गिवन करके। ठीक है, या नहीं तो हिंदी में बोलेंगे दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने ऐसा करके लिखा है, दिया गया है। ठीक है, इसमें लिखोगे राम के पास 2 हेक्टेयर है, यानी टोटल जो राम के पास है, टोटल खेत जो है, टोटल एरिया कितना है, 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, इसमें से 1.5 हेक्टेयर जो है वो चावल की खेती कर रहा है, यानी राइस कल्टीवेशन कर रहा है। राइस कल्टीवेशन कितना कर रहा है, 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, फिर आलू प्लस में पोटैटो प्लस में मक्का मेज दोनों को मिला के अंतर फसल करके 1 हेक्टेयर में कर रहा है। ठीक है, सो कल्टीवेशन कितने पे कर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, 1.5 हेक्टेयर प्लस में 1 हेक्टेयर कितना हो जाएगा, 2.5 हेक्टेयर।
क्लियर? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से वापस चले जाओ, स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, आप फिर से एक बार ज्वाइन कर लो, स्क्रीन आ जाएगी। चलो, तो मैं यहां पे बात कर रहा था 2.5 हेक्टेयर हो जाएगा, यहां तक क्लियर हो गई सारी बातें। अब चलते, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया, एक पूछ रहा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक पूछ रहा है रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक है, एक बच्चे ने तो शायद क्रॉप इंटेंसिटी निकाल के ही छोड़ दिया, रोटेशन इंटेंसिटी निकाला ही नहीं है। ठीक है, सर ने आपको रोटेशन इंटेंसिटी भी बताया था। सो दोनों बोल रहा है राम के खेत में फसल की तीव्रता और रोटेशन की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, सो ये हमारा दिया गया है, इसको मैं एक साइड कर लेता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, 1 मिनट। चलो इधर कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे सारी बातें क्लियर। अब देखो, क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कितने में फसल लगाया है और बट्टे में कितना जमीन है ना, ग्रॉस एरिया बट्टा में नेट एरिया, सिंपल ना। ग्रॉस एरिया कितना लगाया गया है इन और कितना जमीन है यानी नेट एरिया, टू और हंड्रेड इन 28% रहेगा। तो ग्रॉस एरिया आप मुझे बताओगे कितना है, ग्रॉस एरिया कितना है, लगाया गया कितना है, 2.5 हेक्टेयर क्वेश्चन है ना, और नेट पर एरिया टोटल एरिया कितना है, टू 2 हेक्टेयर। सो 2 हेक्टेयर हंड्रेड इंटू में 100। क्लियर? अब यहां से आप दशमलव को हटाओगे तो 25 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इंटू में 10 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब बोलोगे गलत या सही, गलत या सही? सही सही ना, सर। दशमलव हटाएंगे 10 नीचे आएगा, 2 × 10 हो जाएगा, इधर 100 का 100 रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दिए, हेक्टर से हेक्टर कट गया ना। अब 2 से 5 हो जाएगी, 2 5 जा 10, तो बच गया 25 × 5। क्लियर? फिर बोलोगे नहीं, ठीक है 125% हो गया, सर सो क्रॉप इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 125%। बोलते नहीं, क्लियर? यस सर। चलो, क्रॉप इंटेंसिटी हो गई हमारी, खेल खत्म। सो इसको हम लोग साइड कर ले। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्या है, रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक है, चलो यहां तक बात ही क्लियर। रोटेशन इंटेंसिटी, चलो रोटेशन इंटेंसिटी होता क्या है, टोटल क्रॉप सोन ऑन फील्ड, फील्ड में कितना क्रॉप लगाया गया है, बट्टा में नंबर ऑफ ईयर। क्लियर? ये भी परसेंटेज में होगा। बोलते नहीं, समझ में आया या नहीं? टोटल क्रॉप सोन ऑन फील्ड यानी सर कितना फील्ड में लगाया गया है, टोटल में लिख देता हूं जिससे याद रहे आपको, टोटल सोन ऑन फील्ड, फील्ड में कितना फसल लगाया गया है, बट्टा में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। क्लियर? परसेंटेज में रहेगा ये। सो यहाँ पे टोटल सोन ऑन फील्ड की बात करें तो कितना फसल फील्ड में लगाया गया है, फसल की बात कर रहे हैं। देखो, एक राइस लगाया, एक पोटैटो ढाई लगाया, एक मेज लगाया, ये ढाई नहीं फर्क पड़ता कि आप एक साथ लगाओ, चाहे तीन को एक साथ लगाओ, चाहे अलग अलग लगाओ, लगाया कितना क्रॉप, 3 क्रॉप ना। सो ग्रोथ 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितना साल लगा है। देखो देखो, क्वेश्चन में लिखा गया है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, मतलब एक साल में लगाया गया है। सर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा तो एक साल में लगाया गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर कितना थ्री हो जाएगा, 1 साल। सो और इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज है ना। ठीक है, सो यहां पे कितना हो जाएगा, 300%। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? सर तीन सर थ्री कहाँ से आया। सर 3 आपको यहां से आया, क्योंकि
क्योंकि इसका रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल सोन ऑन फील्ड, फील्ड में कितना उपज, कितना क्रॉप लगाया गया है, टोटल सोन क्रॉप ऑन फील्ड, फील्ड में कितना क्रॉप लगाया गया है। सो आप क्वेश्चन में देखोगे कि एक जगह तो चावल लगाया, एक एक 1.5 हेक्टेयर में चावल लगाया है ना, उसके बाद आलू और मक्का लगाया, सो कितना फसल हो गया फील्ड में, चावल, राइस, राइस, आलू, पोटैटो और मक्का, मेज, इसके अलावा और कोई फसल लगाया गया है फील्ड में, नहीं ना। सो ये हमारा 3 क्रॉप हो गया फील्ड में लगाया गया, और कितना ईयर में लगाया गया, तो एक ईयर में, कुछ नहीं दिया रहेगा तो एक ईयर में, अगर दिया है 2-3 ईयर में तो आपको उस हिसाब से ईयर देना है, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो एक ईयर सपोज करके चलेंगे, ठीक है, बोलते नहीं सही या गलत, समझ में आया या नहीं आया, तीनों लगा सर दिए। इस प्रकार से आपको लिखना भी है, पहले लिखेंगे दिया गया है क्या क्या दिया गया है, तो राम के पास कितना हेक्टेयर का जमीन था वो लिखेंगे, फिर राइस का कल्टीवेशन कितना में किया वो लिखेंगे, फिर पोटैटो और मेज का अंतर फसल किया है तो कितना में किया वो लिखेंगे, देन पूछ रहा है कि राम की खेत में फसल की तीव्रता, सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल की तीव्रता कहते हैं, हिंदी वाले समझ लेंगे, फसल तीव्रता, फॉर्मूला लिखेंगे ये होता है, देन इसको बैठा देंगे, सो सिंपल सो इजी सो एलिगेंट, क्लियर। चलो रोटेशन इंटेंसिटी की बात करें, सो ये होता है रोटेशन की, फसल चक्र की तीव्रता कितनी थी, तो फसल चक्र कितना फसल लगा है इस हिसाब से याद कर लो, सिंपल है ये, क्लियर। दोनों परसेंटेज में निकलेगा, ये भी परसेंटेज में, परसेंटेज लगाना भूलना मत, सो ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज। अब बोलो कोई कंफ्यूजन, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल ना। चलो सर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें, हम लोग आज के सिलेबस पे आ जाते हैं, ठीक है, ये थी हमारी क्लासेस, ठीक है। सो अगर आप भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो YouTube पे देख रहे हैं या मुझे फ्री में देख रहे हैं, अगर आप नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं क्लास में, सो आप 99 रुपीज में जाइए, आराम से बैच को ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री में लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलो जी आगे बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे वीड मैनेजमेंट, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वीड मैनेजमेंट। चलो कोई बच्चे चैट भी किए, ओके सर आ गया, कमल, कोमल, हाँ आ गया, चलो हाँ सर, ठीक है सर, आगे बात करते हैं खरपतवार मैनेजमेंट, इसमें थोड़ी सी आगे बात करते हैं, मैराथन क्लास है, एक अभी क्लास में हम लोग पूरा खरपतवार का यहां से इधर कर लेंगे, यानी ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली बात टर्म वीड की बात करेंगे, टर्म वीड जो कौन दिया था, एक जेथ्रो टूल नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वीड टर्म दिया, वीड का मतलब खरपतवार हिंदी में बात करें तो, क्लियर, समझ में आ रही है ना, खरपतवार। अब ये एक बुक पब्लिश किया था, ठीक है, और ये टर्म वीड जो है वो इसी बुक में पब्लिश किया गया था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये बुक का नाम है, क्या बुक का नाम है बोलोगे साथ में, क्या बुक का नाम है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। जेथ्रो चलो कौन दिया था, जेथ्रो टूल, कौन दिया था, टूल। जेथ्रो टूल, इसलिए इसको फादर ऑफ वीड साइंस कहते हैं। चलो अब याद हो गया होगा ये, मैं फिर से दोहराऊंगा बाद में, ठीक है, थोड़ा भूल जाने देता हूं आपको, है ना। सो परिभाषा क्या हो जाएगा, हिंदी वाले देखेंगे इधर, इंग्लिश वाले इधर देखेंगे, ठीक है, ताका झाकी नहीं करेंगे। चलो ऐसे पौधे जो खेतों में साधारणतया अवांछनीय और हानिकारक पौधे के रूप में उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं, यानी सच प्लांट्स विच आर जनरली इन द फील्ड एज अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल प्लांट्स इज कॉल्ड वीड्स। समझ में आई बातें, कुछ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, देखो आपके आसपास में खेत होगा, खेत में आपने देखा होगा कि सरसों उगाया गया है, लेकिन आपको आसपास में कुछ खरपतवार, कुछ धोबी, कुछ मोथा उग गए होंगे, सो वो सब क्या है, हम लोगों ने तो नहीं उगाया या किसान ने तो नहीं उगाया, अवांछनीय रूप से उग गया, और वो क्या करता है, ये जो सरसों में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, इरिगेशन देते हैं, वो क्या करता है, ये खरपतवार सोख लेता है, हानि करता है पौधे को, तो यही तो लिखा गया है डिफिनेशन में, कि ऐसे पौधे जो खेतों में
साधारणतः नॉर्मली जनरली उग जाया करते हैं जो पौधे को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? बोलते नहीं, क्लियर हो गई बातें? यस सर। चलो आगे बात करते हैं। अब इसकी विशेषताओं की, खरपतवार की विशेषताएं क्या है, करेक्टर क्या है? अब आपकी करेक्टर की बात करें तो आपको, आप क्या लिखोगे अपने बारे में, अपने करेक्टर के बारे में, कि मैं शांत हूं, है ना, मैं हसमुख हूं, मैं उतने ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। डेफिनेशन एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन एक बार और। ओके सर, ओके सर। डेफिनेशन हिंदी वाले देखो, ऐसे पौधे, है ना, कोई एक पौधा है तो ऐसे पौधे जो खेतों में साधारणतया अवांछनीय या हानिकारक पौधे के रूप में उग जाते हैं, वो दूसरे पौधे को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हानिकारक पौधों के रूप में उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, सच प्लांट विच आर जनरली इन द फील्ड्स एज अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल प्लांट्स इज कॉल्ड वीड्स। क्लियर हो गई बातें? हाँ, आई होप हो गई होगी क्लियर। अब विशेषताएं के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके द्वारा बताया गया कि मेरी विशेषताएं क्या है, तो आप खुद के बारे में बताओगे कि मैं, सर मैं तो बहुत शांत रहता हूँ, मैं दूसरे से बात करते रहता हूँ, यानी इंट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, सबसे बात करता हूँ, ये सब आप बोलोगे। ठीक है, खरपतवार की विशेषताओं के बारे में भी सेम चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ खरपतवार की पत्तियां जो होती है उस पे चिपचिपे पदार्थ होते हैं, सख्त बाल या कांटे होते हैं, जिसकी वजह से जल की हानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कम होती है, तथा पशु भी खरपतवार की अधिक हानि नहीं कर पाते। ठीक है, अब पशु जो चरने के लिए डालते हैं वो क्या करते हैं, खरपतवार को भी खा जाते हैं, है ना। अगर खरपतवार के ऊपर में चिपचिपा पदार्थ रहे लिप पे या कांटा हो तो क्या पशु खा पाएंगे? अरे भैया बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। इससे क्या होगा, कोई छुएगा भी नहीं इसको, है ना, कोई छुएगा भी नहीं। जैसे ही आप जाते हो, चलते रहते हो, क्रिकेट खेलने जाना है आपको, ठीक है, तो आप किसी खेत से होके गुजरे, ठीक है, आपके आसपास में खेत है और खेती में जाते हो खेलने के लिए ना, तो वहां के जो बाउंड्री पे आप कुछ खरपतवार दिखेंगे जिसमें कांटे भी होते हैं, तो आप जैसे एक बार छुए, फिर उसके बाद छूना बोल देते हो, ए छोरा वगैरह कोई नहीं जाना वहां पे, ठीक है, ऐसे ही बोलते हो ना, सो वहां पे नहीं जाना, क्यों, क्योंकि कांटा है उस खरपतवार में, ठीक है, सो हम लोग वहां उसको छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, तो ये इसका विशेषता हुआ कि हमारे पास कांटा रहता है, पत्ती पे पदार्थ रहते हैं चिपचिपे, ठीक है, जिससे कि पशु भी हमको चढ़ नहीं पाता, भोजन नहीं कर पाता। वही बातें आपको इंग्लिश में भी लिखी गई है। ठीक है, सेकेंड विशेषताएं की बात करें तो कुछ खरपतवार की जड़ें होती है वो काफी गहरी होती है, जो पानी या पोषक तत्वों के अभाव में भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, जैसे कांस एक खरपतवार है जिसकी जड़ें होती है वो 6 मीटर तक गहरी जा सकती है, अगर नीचे तक चली गई तो अगर उसको पानी नहीं भी दो, पोषक तत्व नहीं भी दो, फिर भी वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो काफी अंदर तक चली जाती है, ठीक है, काफी गहरी उसकी जड़ हो जाती है। ठीक है, थर्ड विशेषता की बात करें, कुछ खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं, जैसे में चौलाई, एक एमरेंथस स्पीसीज का एक खरपतवार होता है जिसको चौलाई कहते हैं, जिसका एक पौधा जो होता है वो प्रति वर्ष 2,80,000 बीज पैदा करते हैं, एक वर्ष में, समझो, ठीक है, एक वर्ष में। उसके बाद जो एक और जो फैक्ट सुनोगे, एक और विशेषता जो सुनोगे, उसको सुन के तो आपकी होशो आवास उड़ जाएगी। खरपतवार के बीजों को उगाने की शक्ति जो होता है वो बहुत वर्षों तक बनी रहती है। उदाहरण में बथुआ की बात कर ले, आप लोग बथुआ का साग भी खाते होंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ पता है? इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो चेनोपोडियम एल्बम होता है ना, तो इसका जो बीज होता है ना वो 25 से 40 वर्ष के बाद भी उग सकते हैं, यानी हो सकता है कि जो आप बथुआ को तोड़ते हो ना, वो 20, 25 से 40 साल पहले उगाया गया होगा, है ना। ये था हमारा विशेषताएं, ठीक है, ओ माय गॉड, ना, ओ माय गॉड, ठीक है। 5 नंबर की विशेषता की बात करते हैं, ये बीज के अलावा अपने दूसरे वनस्पति भाग, जैसे तना हो गया, पत्ती हो गया, जड़ हो गया,
और प्रकंद यानी फ्रूट हो गया द्वारा भी वंश पर वृद्धि करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजे से इसका बच्चा लोग आते रहेगा, ना 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 ऐसा नहीं, इससे तना से भी नया पौधे तैयार हो सकते हैं, पत्ती से भी नया पौधे तैयार हो सकते हैं, जड़ से भी ये नया पौधे तैयार कर सकते हैं, यहाँ तक प्रकंद के द्वारा भी ये वृद्धि कर सकते हैं। जैसे आपको घास की बात कर ले, साइनोडॉन डेक्टिलॉन होता है इसका, हिरनखुरी, कॉन्वोवुलस स्पीसीज, ये सब जो होता है वो पत्ती से भी, तना से भी, जड़ से भी, प्रकंद से भी अपना नया प्रोडक्ट तैयार कर लेता है, यानी अपना नया एक वंश वृद्धि करता है। समझ में आ गया बातें? 6 नंबर की बात करें, हाँ इंग्लिश वाले अच्छा आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ से देखते जाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताना मुझे। हाँ कोई बोल रहे थे कुछ? नो सर, कुछ नहीं बोले तो वो आ रहा है सर। चलो 6 नंबर की बात करें, सो कुछ खरपतवार के बीज उसके साथ उगने वाले फसलों में मिलते हैं, जिससे उसके फसलों के बीज में अलग करना कठिन हो जाता है, जैसे सरसों में सत्यानाशी है ना, एग्रीमोना, एग्रीमोना स्पीसीज, ठीक है। जैसे आप गेहूं और फ्लेरिस मैनर माइनर के बारे में आपको बताया गया होगा, वन गेहूं जिसका नाम होता है, अब खरपतवार ये है वन गेहूं, ठीक है, फ्लेरिस मैनर माइनर, इंग्लिश में बात करें तो फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर ये गेहूं में होता है, एकदम एक बराबर रहता है इसका जो फसल होगा, गेहूं का फसल एक नंबर, और वन गेहूं जो होता है यानी वीट जो होता है वो भी एकदम हूबहू इसके जैसा होता है, कई कई बार पहचानने में मुश्किल हो जाती है, ठीक है, फ्लेरिस माइनर को हटाने के चलते में गेहूं भी हट जाती है कभी कभी, ये इतना डेवलप्ड होता है, एक दूसरे की सिमिलरिटी रहता है, ठीक है। सो 7 नंबर है, कुछ खरपतवार देखने, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे है, देखो कुछ खरपतवार देखने में सहचर फसलों से मिलते हैं, अतः उनका यांत्रिक विधि से नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। देखो भैया मैं अभी जस्ट बता रहा था, है ना, उदाहरण बन गेहूं या गेहूं का मामा, इसको कहते हैं फ्लेरिस माइनर को, गेहूं का मामा भी कहते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता है, गेहूं का मामा किसे कहा जाता है, वन गेहूं को कहा जाता है, ठीक है, या फ्लेरिस माइनर भी ऑप्शन में देता है, हिंदी वाला ऑप्शन देता ही नहीं है, ठीक है, सो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, हिंदी वाला ऑप्शन आपको देगा ही नहीं ऑप्शन में, फ्लेरिस माइनर दे देगा, है ना, मोथा दे देगा, धूप दे देगा, हिरनखुरी दे देगा, ठीक है, तो फ्लेरिस माइनर सही होगा, जो गेहूं के पौधे के जैसा दिखने में लगता है, ठीक है। सो ये भी हमारा एक करेक्टर हो गया खरपतवार का। नेक्स्ट की बात करें, यह प्रतिकूल दशाओं जैसे सूखा, रोग आदि को फसल की अपेक्षा अधिक सहन करता है, ठीक है, ये जो खरपतवार होता है वो फसलों से भी ज्यादा लंबा टिक सकता है, अगर फसलों को पानी या न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो फसल मर सकते हैं, लेकिन खरपतवार को नहीं भी दोगे तो बोलेगा हम तो ढीठ हैं भैया, थेथर हैं, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, थेथर हैं, ठीक है, तो ये थेथर होता है खरपतवार, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन विशेषताओं को जानने में? नहीं ना, सर जो हिंदी नेम है वो हिंदी नेम में लिख देंगे इंग्लिश में। सर हाँ लिख सकते हो, बट ऑप्शन में अगर ना रहे तो चलो